So let's start with Europe again. First term syllabus we have to revise again and again. Europe chapter power sharing federalism. Industrialization will not come. अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को भूल जाओ, आपको नहीं करना, ठीक है? वो सिर्फ पीटी के लिए था, पीटी टू के लिए था, वो हो चुका है. तो अभी यूरोप चैप्टर ओनली फ्रॉम हिस्ट्री. स्टार्ट विद फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरी. उस पिक को इतनी अच्छी तरह से देख लो ना कि उस पिक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो यू कैन डू. उस पिक में आपको क्या क्या उन्होंने दिखाया है, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हाथ में क्या है, फ्लैग, बियरिंग कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, एंड किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. हियर आर्टिस्ट शोड लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर. नाउ हु इज द आर्टिस्ट हियर, फ्रेडरिक सोरियो. ही वॉज फ्रेंच आर्टिस्ट एंड ही प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स इन 1848. अब उसमें उसने क्या क्या दिखाया, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक हाथ में है स्टैचू के, एंड इन द अदर हैंड टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. बिफोर द स्टैचू, स्टैचू के आगे क्या पड़ा है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. बिफोर द स्टैचू लाइंग द शैटर्ड, ये देख लो आपको दिख रहे होंगे, ये शैटर्ड रिमेन्स है, बिखरे हुए शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स पावर्स इन वन हैंड. क्योंकि आप फ्रांस पढ़ के आए हो तो लुई 16 एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था वो. ही वाज एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क ऑफ फ्रांस. तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के शैटर्ड रिमेन्स है, मीन्स लोग जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के अगेंस्ट हो चुके थे, एंड नो दे वर इन द फेवर ऑफ नेशन स्टेट. और ये सारा कब हो रहा है, 19th सेंचुरी यूरोप, 19th सेंचुरी की बात है, क्योंकि 1848 मैं बोल रही हूँ, है ना. तो 19th सेंचुरी की बात है ये सारी. अब नेक्स्ट इज, इसके बाद आपको याद रखना है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन किस ईयर में आया. इयर्स यू हैव टू लर्न 1789. वैसे उसकी डेट भी है 14 जुलाई 1789 विद बस्टाइल फोर्ट, पर ये आपकी बुक में नहीं है तो नाइन्थ का नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ ईयर लर्न करना है 1789. इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस, जैकोबिन क्लब, बिकॉज इट्स गिवन इन योर बुक, बुक में दिया तो पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब ऑफ दैट टाइम इन यूरोप, यूरोप कह के पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस को देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्लब बने थे, एंड दैट वॉज जैकोबिन क्लब. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मेन नेम, व्हाट वाज द मेन नेम, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मेन नेम क्या था, क्यों वो दूसरी कंट्रीज या सिटीज में गए, कैरी विद देम द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, हेल्प द कंट्रीज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डेस्पोटिक रूल. कौन कौन सी कंट्रीज गए, आपको पता है, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, लेटर इटली. फिर अगर सिटीज पूछे तो बेल्जियम की कैपिटल से आपको लर्न रहेगा, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्सा. आपको चार सिटीज देके एक रॉन्ग देके फिर आपको पूछा जाना है, जैसे एक क्वेश्चन आया था आपको पर्शिया की जगह, प्रशिया की जगह पर्शिया लिखा हुआ था, तो वैसे आपको फोर ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस गलत देनी है, हर में एक एक सिटी गलत करी जानी है उन्होंने, फिर एंड में जाके इसमें सारी करेक्ट होंगी. तो अगर आपको पता होंगी तब भी आप करोगे ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलना. तो एक तो ये फोर कंट्रीज सिटीज, ये पता नहीं चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्यों गए थे. अब यहाँ पे आपका आ जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग अस इट्स पीपल, कैसे की उन्होंने, हाउ दे क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग अस इट्स पीपल. आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, ली सिटी ओन, लॉ पैट्री मीन्स फादरलैंड, ली सिटी ओन मीन्स द सिटीजन, लॉ पैट्री मीन्स फादरलैंड, ली सिटी ओन मीन्स द सिटीजन. विच लैंग्वेज बिकेम द मेन लैंग्वेज आफ्टर द नेशन, फ्रांस बिकेम नेशन स्टेट, फ्रेंच. Other languages were discouraged. Body of a state general was renamed as National Assembly. तो ये सारे आपको learn करने हैं. Oh, French revolutionaries created sense of collective identity among us its people. Who was Napoleon? He was ruler of France. He became ruler of France in 1804. He issued civil codes in 1804. पूछा जाता, who issued civil codes? तो Napoleon.
नेपोलियनी कोड ही किसने इशू किया, तो बच्चे वहां पे भी परेशान होकर बैठ जाते, पता नहीं किसने किए थे नेपोलियनी कोड। नेपोलियनी कोड नेपोलियन ने ही इशू किए थे। नेपोलियनी कोड आल्सो नोन एज सिविल कोड। व्हाई ही वाज लाइक बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, बिकॉज ऑफ द सिविल कोड, क्योंकि उसने सिविल कोड इशू किए थे। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है गिल्ड, गिल्ड का मीनिंग एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। 4-3 आपको उसके कोड्स ठीक देके एक गलत देके पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन सी उसने प्रिविलेज नहीं दिया था लोगों को नेपोलियन ने, तो आपको उसके कोड्स बताएंगे तो यू कैन सिलेक्ट, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं दिया था। ठीक है, तो जैसे कि कहा जाए कि इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, तो नेपोलियन तो मोनार्की लेके आया था, हम खुद ही कहते हैं ही री इंट्रोड्यूस मोनार्की एंड ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, पता है ना, दो काम उसने अच्छे नहीं किए थे, री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, ही री इंट्रोड्यूस मोनार्की, पता है ना, तो दैट्स वाई फिर भी लोगों ने उसे लाइक किया। क्यों लाइक किया? बिकॉज ऑफ हिज सिविल कोड, एक तो आपको ये याद रखना है। और कुछ जगहों पे ही वॉज नॉट लाइक बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या लेके आया, फोर्स रिक्रूटमेंट, यू नो इट वेरी वेल, इट एक्ट ऑन यूरोपियन कंट्रीज, ही वॉन्टेड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस एंड फॉर दैट ही क्या किया उसने, इट एक्ट यूरोपियन कंट्रीज, तो ही नीडेड सोल्जर्स एंड फॉर दैट ही फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब पता है, फोर्स पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, तो उसने फोर्स किया था, दैट वाई वॉज नॉट लाइक बाय सम पीपल। साथ में उसने टैक्सेस बढ़ाए थे, ही इंक्रीज द टैक्सेशन। तो आपको तीन देके पूछा जाना है कि नेपोलियन को लोगों ने लाइक नहीं किया। अभी मैं कह रही हूँ ही वॉज लाइक बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, अभी मैं कह रही हूँ ही वॉज नॉट लाइक बाय सम ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। सारे कभी भी प्रेज नहीं करते होते, कुछ भी गवर्नमेंट कभी भी बनती है, कुछ लोग प्रेज करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट ही बोलते हैं, चाहे लोगों ने खुद उसी की फेवर में वोट की हो, बाद में लोग फिर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं पहले वाली बेटर थी, ऐसे होता है। आप हमेशा नोट करना, आप अपने पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करना, पहले वाली गवर्नमेंट को हमेशा बाद में प्रेज की जाती है जब वो चली जाती है। तो नेपोलियन वाज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस क्योंकि वो लिबरेटर लोगों को लगा था, क्योंकि उसने कोड्स दिए थे। बट फ्यू पीपल इन फ्रांस दे डिड नॉट लाइक नेपोलियन, तो ये पूछा जा सकता है क्यों नहीं लाइक किया। साथ में दे दिया कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर टेकन अवे, ये तो उसका लाइक वाला पॉइंट है। तो तीन गलत दे, तीन राइट देके एक गलत देके पूछ लेना कि इसमें से बताओ कौन सा पॉइंट ठीक नहीं है। तो मैं बताती हूँ, तीनों पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट, देन इंक्रीज टैक्सेशन, देन सेंसरशिप, ये तीनों बातें उसको अनलाइक, लोग उसे नहीं लाइक करते थे। उसने मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट लाइक बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। तीन बातें याद रखना, फोर्स रिक्रूटमेंट और इंक्रीज टैक्सेशन एंड देन सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया। तो इन बातों के कारण लोग नेपोलियन को लाइक नहीं करते थे। अब बीच में मैं बोल दूं कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, तो मैं बोल लूं इनमें से एक पॉइंट है जो कि गलत है। पीपल ऑफ फ्रांस डिडंट लाइक नेपोलियन एंड वन पॉइंट आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेलेक्ट। तो कौन सा गलत बोला मैंने? इंक्रीज टैक्सेशन, फिर मैंने बोला सेंसरशिप, फिर मैंने बोला फोर्स रिक्रूटमेंट, और साथ में मैं बोल रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड, क्योंकि ये तो उसके लाइक वाला पॉइंट। आप तीन लाइक वाले देके एक उसका डिसलाइक वाला दे देना, फिर कहना कि इनमें से एक पॉइंट गलत है, मींस दोनों तरह ये क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एंड डिसलाइक दोनों। ठीक है, तो नेपोलियन के कोड अच्छी तरह से लर्न करने हैं, ईयर पता होना चाहिए, कहाँ का रूलर था, कब बना। अर्लियर ही वाज मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, फ्रॉम डिक्टेटर ही बिकेम रूलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये आउटसाइडर था, तभी ट्रीटी ऑफ वियना में उन्होंने कहा था ना कि वापस किसे लाओ, बॉर्बन डायनेस्टी, क्योंकि वो पास्ट की रिस्पेक्ट करते थे, कंजर्वेटिव थे। तो यूरोप में उन दिनों क्या चल रहा था, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, क्या चल रहा था यूरोप में? कंजर्वेटिज्म। इन दोज डेज यूरोप वाज ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव कंट्रीज थी। कौन सी कंट्रीज कंजर्वेटिव थी? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया, ये कंजर्वेटिव कंट्रीज थी। एंड ऑस्ट्रिया का होस्ट कौन था? ड्यूक मेटरनिच होस्ट, ड्यूक सॉरी ट्रीटी ऑफ वियना का होस्ट कौन था? ड्यूक मेटरनिच, ही वाज ऑस्ट्रियन चांसलर। अब ड्यूक मेटरनिच का सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी मेजनी, उसने सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी किसको कहा? मेजनी, बिकॉज मेटरनिच वाज कंजर्वेटिव, वेयर एज मेजनी वाज रेवोल्यूशनरी। तो दोनों ही ऑपोजिट हो गए, एक साइड आप ले लो ब्रिटिश और एक साइड आप ले लो भगत सिंह, तो
तो आपको अपने आप पता चलेगा वो एनिमी उसको कंसिडर कर, टीपू सुल्तान को कैसे उन्होंने अपना सबसे डेंजरस एनिमी डिक्लेयर किया था ब्रिटिशर्स ने, तभी उसको हराया था श्रृंगापटम की बैटल में टीपू सुल्तान को, क्योंकि उसको उन्होंने कहा था सबसे एट प्रेजेंट हमारा अगर ग्रेटेस्ट एनिमी कोई है ना इंडिया में तो दैट इज टीपू सुल्तान, क्योंकि उसने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था अकॉर्डिंग, ट्रेन किया था फ्रेंच ट्रेनर को बुला के, तो इस वजह से वो सच में बहुत ब्रेव था टीपू सुल्तान। उसकी जो स्वोर्ड जिससे वो लड़ा है ना, वो स्वोर्ड कहाँ पे है, इंग्लैंड की म्यूजियम में पड़ी हुई है। टीपू की जो स्वोर्ड है ना, दैट इज इन द म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड, वहां पे लेनी है ब्रिटिश से, क्योंकि वो बहुत ब्रेवरी से लड़ा था टीपू सुल्तान, और 4 वार्स हुई है उनमें ब्रिटिश एंड टीपू में, तो टीपू को वो अपना सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी कहते थे, क्योंकि टीपू एक हिसाब से आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशनरी, वो नहीं चाहता था ब्रिटिश का होल्ड हो। तो सेम एज हियर मेजनी एंड ड्यूक मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच कहाँ, वो कंजर्वेटिव था, वो कहता था पास को लाओ, पास की रिस्पेक्ट करो, चर्च की पावर्स में बिलीव करता था, तब के लोग चर्च की पावर्स में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च बहुत रॉन्ग मीनिंग बताती होती थी बाइबल के, जैसे इंडिया में पंडित ट्रांस संस्कृत आती थी पंडितों को, तो वो लोगों को रॉन्ग मीनिंग बताते थे, तो लोग फेडअप हो गए थे, याद है ना, हिंदुइज्म छोड़ के तो जैनिज्म बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे लोग, क्योंकि रॉन्ग मीनिंग बताए जाते थे, लोगों को कहा जाता था ये वाली कस्टम्स ये वाले फॉलो करो, ये वाले हवन करो, यज्ञ करो, लोगों के पास पैसा होता नहीं था, वो अपने घर बार बेच के हवन यज्ञ कराते थे, तो एक्सपेंसिव हो गया था हिंदुइज्म बहुत ज्यादा, हिंदू रिलीजन लोगों के लिए उसको फॉलो करना बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था, वेदास वो पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि संस्कृत में होते थे। तो सेम एज इन यूरोप, रोमन कैथोलिक चर्च मिसगाइड करती थी लोगों को, बाइबल के रॉन्ग मीनिंग बताए जाते थे, तो ये लोग चर्च की पावर्स में बिलीव करते थे। आप फ्रांस में पढ़ के आए हो, चर्च की पावर्स छीन लेते हैं वो लोग, पढ़ा है ना फ्रांस में, पावर्स ऑफ चर्च वर टेकन अवे, जब फायर डिक्री वो पास करते हैं, याद आ गया, फ्रांस पढ़ के आए हो 9th में, फायर डिक्री पढ़ा था, फायर डिक्री 4th अगस्त में जब वो इशू करती है नेशनल असेंबली, तो उसमें वो चर्च की पावर्स नहीं छीनती, चर्च की पावर्स छीन के चर्च की बिल्डिंग जो जहाँ पे बनी हुई थी वो प्लान छीन लेती है, उस पे वो ऑफिशियल बिल्डिंग बना देते हैं फ्रांस में, याद आ गया 9th में पड़ा हुआ है। तो ये कंजर्वेटिव जो थे दे बिलीव इन द पावर्स ऑफ चर्च, चर्च की पावर्स में बिलीव करते थे ये लोग। तो मेजनी जो था ही वॉज रेवोल्यूशनरी, वो नहीं चाहता था, वो चाहता था नेशन स्टेट्स बने और क्विक चेंजेस आए, भगत सिंह भी तो यही चाहता था क्विक चेंजेस लाओ, वो महात्मा गांधी के साथ उसके व्यूज मैच कभी नहीं हुए थे, तो उसने हमेशा यही कहा था क्विक, जो काम करना है जल्दी करो, इसे लेट नहीं करो। तो सेम एज मेजनी, वो भी कहता था क्विक चेंजेस आए। तो इसमें आपको ट्रीटी ऑफ वियना की टर्म्स पता होनी चाहिए, किसको क्या मिला, नॉर्थ इटली किसको मिला, नॉर्थ इटली वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, बस ये चीजें पता होनी चाहिए। प्रशिया को क्या मिला था, प्रशिया, सैक्सनी वॉज गिवन टू पोलैंड, किसे मिला था बताओ, रशिया, क्योंकि कैरल कृपिंस्की बाद में आप पढ़ते हो पोलिश राइटर, पोलैंड एक नेशन स्टेट बना, क्यों पोलैंड नेशन स्टेट बना था, क्योंकि कौन किसका मेन रोल प्ले किया हुआ है उसमें, किसने मेन रोल प्ले किया, कैरल कृपिंस्की, ही वॉज पोलिश राइटर। तो एक तो ये याद रखना है, नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ वियना की टर्म्स पता होनी चाहिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है लिबरलिज्म कहाँ से लिया गया, लेटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री, इसके हर फील्ड में मीनिंग पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में आ जाए इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक फील्ड, आपको साथ में दिया हो फ्रीडम ऑफ मार्केट, फिर साथ में 3 गलत दिए हो, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इसमें से इकोनॉमिक फील्ड का कौन सा आंसर है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब मैं पूछूं लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल फील्ड, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल फील्ड, फिर सोशल फील्ड, फिर इकोनॉमिक फील्ड। अगर ये आपको सारे फील्ड आते होंगे तो आपको कुछ भी पूछ लें वो आप बता दोगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन राइट, आप लिख सकते हो अगर आपको सारे फील्ड्स में इसका मीनिंग पता होगा। नेक्स्ट इज इसके बाद आपका आ जाता है मेजनी। मेजनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इटली का था, इनकरेज कहाँ के लोगों को मेजनी ने इनकरेज किया टू बिकम अ नेशन स्टेट, इटली, क्योंकि वो कहाँ का रेवोल्यूशनरी था, इटली, इज फुल नेम गसप मेजनी, लर्न फुल नेम क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, फुल नेम ऑफ द इटालियन रेवोल्यूशनरी, साथ में नीचे 3 गलत नेम देके आपको फिर आपसे पूछा जाना है कि फुल नेम बताओ, गसप मेजनी इसका फुल नेम आना चाहिए, कौन सी सोसाइटी का, वो ऑलरेडी मेंबर था
कार्बोनेरी, फिर उसकी टू सीक्रेट सोसाइटीज पर कोई भी एक सीक्रेट सोसाइटी देके पूछ लेना कहाँ पे बनी, यंग यूरोपियन बने, यंग इटलियन मसे, फिर उसका बर्थ कहाँ पे हुआ, जेनोआ, कौन से ईयर में हुआ, 1807। आप उसका पूरा ये लर्न करो क्योंकि ये दिए हुए हैं, और उसने किस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लिगुरिया के रिवोल्ट में ना, तो ये पूरा आपको लर्न करना है मेजनी का, उसके ईयर्स जो जो दिए हुए हैं, अगर लिगुरिया वाला भी ईयर दिया हुआ है तो यू हैव टू लर्न 1831, देन ही वाज आई थिंक 24 इयर्स ओल्ड, ऐसे दिया हुआ है ना, तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, 1831 लिगुरिया रिवोल्ट, देन ही वाज 24 इयर्स ओल्ड, तो ये आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज इट्स गिवन इन द बुक। ठीक है, मेजनी के बारे में पता होना चाहिए प्रॉपर। अब इसके बाद आप आगे चलो तो एक रोमांटिसिज्म टॉपिक है, रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट तब की, पता है ना, आर्टिस्टिक लिटरेरी आर्टिस्टिक कल्चरल मूवमेंट ऑफ दैट टाइम। अब इसमें आपको सारे उनके पता होने चाहिए रोमांटिक पोइट्स। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इसमें जॉन गॉटफ्राइड, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन था, हु वाज जॉन गॉटफ्राइड, जर्मन फिलोसफर, दास वॉल्क किसके लिए यूज किया गया, कॉमन पीपल, वॉक्स चीज किसके लिए यूज किया उसने, दास वॉल्क, वेरी गुड, नेशन के लिए, एंड दास वॉल्क किसके लिए यूज किया उसने, कॉमन पीपल, वॉक्स चीज किसके लिए यूज किया, नेशन। तो लर्न दीज, आपको ये जॉन गॉटफ्राइड का भी लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रिम ब्रदर्स, कहाँ के थे, जर्मनी के टू ब्रदर्स जैकब एंड विलहेलम, इनके बर्थ के इयर्स मेंशन्ड है बुक में, इनके बर्थ के इयर्स आपको लर्न करने हैं, एक का बर्थ हुआ 1785, दूसरे का 1786, तो ये लर्न करने हैं। इन्होंने कौन सी डिक्शनरी पब्लिश की थी, 33 वॉल्यूम डिक्शनरी इन जर्मन लैंग्वेज, तो ये पूछा जा सकता है, आई थिंक उसका भी ईयर दिया हुआ 1812 है शायद, चेक इट, 1812 में उन्होंने डिक्शनरी इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज 33 टेल्स, कलेक्शन ऑफ टेल्स, एंड 33 वॉल्यूम डिक्शनरी भी इन्होंने पब्लिश की थी, एंड दैट वाज इन जर्मन लैंग्वेज। तो लर्न इनके, आपको इयर्स पता होने चाहिए, बर्थ के इयर्स पता होने चाहिए, और पता होना चाहिए इनके नाम बताओ, ग्रीम ब्रदर के नाम बताओ, जैकब एंड विलहेलम याद रहने चाहिए। इसके बाद डेलक्रोइक्स के बारे में पूछ सकते हैं, कौन था डेलक्रोइक्स, ही वाज फ्रेंच पेंटर, क्या बनाई थी इसने, पेंटिंग, किसको दिखाया, क्रूअली किल्ड, कौन क्रूअली मार रहा है, टर्क्स, किसको मार रहे हैं, ग्रीस के लोगों को। अब ये पेंटिंग क्या स्प्रेड कर रही है, नेशनलिज्म अमंग द स्पेक्टेटर्स, मींस डेलक्रोइक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हु वाज डेलक्रोइक्स, ही वाज फ्रेंच पेंटर, कैरल क्रिपंजकी तो आपको वैसे ही पता। अब कौन सी जेल में प्रीस्ट को भेजा गया, साइबेरिया, प्रीस्ट ऑफ पॉलिश प्रीस्ट, दे वर सेंट टू डैश जेल्स, साइबेरियन जेल्स, उनके कौन सी जेल्स में भेजा गया, साइबेरिया की जेल्स में। ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि प्रीस्ट प्रेफर टू गो टू जेल्स, एंड कौन सी जेल्स थी, साइबेरियन जेल्स। तो एक तो ये, तो आपको रोमांटिसिज्म के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन हंगर हार्डशिप रिवोल्ट, हंगर हार्डशिप रिवोल्ट में आपको एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, फ्रांस। एक मिनट, ये टॉपिक बताओ, व्हेन फ्रांस सीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड ड्यूक मेटर्निक, फर्स्ट रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ, एंड किसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लुइस फिलिप, बिकॉज दिस रिवोल्ट वॉज डन बाय लिबरल्स ओवरथ्रो, किसको ओवरथ्रो किया था इन्होंने, लिबरल्स ओवरथ्रो बोर्बन किंग, जिसको कि ट्रीटी ऑफ वियना में बनाया गया था, लिबरल्स ने उसे, क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स ने बनाया था, ट्रीटी ऑफ वियना वॉज डन बाय कंजर्वेटिव्स ना, तो कंजर्वेटिव्स ने बोर्बन डायनेस्टी के रूलर को फ्रांस का रूलर बनाया था, तो लिबरल्स ने उसे ओवरथ्रो किया इन 1830, एंड लिबरल्स ने किसे बनाया फ्रांस का रूलर, लुइस फिलिप, एंड ही बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मोनार्क बना था फ्रांस का। तो फर्स्ट रिवोल्ट इन फ्रांस, सेकंड इन बेल्जियम किससे अलग हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, याद रहेगा। नेक्स्ट थर्ड रिवोल्ट इन ग्रीस ने वार स्टार्ट कब की, 1821। ग्रीस के लोग कौन थे, क्रिश्चियंस, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम,
they were not treated properly. They declared their war of independence in 1821. अब ग्रीस को उन दिनों क्या कहा जाता था? क्रेडल ऑफ यूरोप, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ग्रीक कल्चर. तो उन्होंने ग्रीस को उन दिनों कहा जाता था क्रेडल ऑफ यूरोप. अब ग्रीस की हेल्प किसने की? यूरोपियन कंट्रीज. कौन सा पोएट था वो कलेक्टेड फंड्स? लॉर्ड बायरन. कहाँ का पोएट था? ग्रीस का था, इंग्लैंड का था, फ्रांस का था, कहाँ का था? He was English poet. He collected funds for this war of independence. But उसकी डेथ हुई इन विच ईयर? 1824. ड्यू टू फीवर उसकी डेथ हो गई थी. अब यूरोपियन कंट्रीज हेल्प किसकी हेल्प की? ग्रीस की. यूरोपियन कंट्रीज ने किसको फोर्स किया? सुल्तान. कहाँ का सुल्तान? टर्की. कौन सी ट्रीटी से ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बना? कॉन्स्टेंटिनोपल. एंड इन विच ईयर ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन? पर जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है इन विच ईयर ग्रीस डिक्लेयर्ड इट्स वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बच्चे लिखते हैं 1832. वो तो डिक्लेयर 1821 में की, बाद में इंडिपेंडेंस 1832 में मिली. इतने साल उन्होंने स्ट्रगल की. इंडिया भी तो कहां 1857 से स्ट्रगल कर रहा था. कितने साल? 150 साल लगा दिया आजादी लेने में. कितने साल इंडिया स्ट्रगल करता रहा और जाके कितनी देर बाद इन्हें फ्रीडम मिली, देखो. तो इधर हम ग्रीस की, अगर कोई आपको पूछे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूछे तो आप 1857 बोलते हो, बट ये थोड़ा कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1857. आप तो ग्रीस को बोल देते हो 1821, रॉन्ग है वो. ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832. 1834 में भी कुछ हुआ था, आप मुझे बताओ क्या पास हुआ था? जोलब्रिन था क्या? कस्टम यूनियन. किसके एफर्ट से पास हुआ था? प्रशिया. जोलब्रिन ऐसा क्या था कि जोलब्रिन लाना पड़ा उन्हें? 1834 मैंने यही बोला, 1832 में ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बना, 1834 में जोलब्रिन आया. तो ऐसा क्यों जोलब्रिन को लेके आए? बिकॉज जर्मनी वॉज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी स्टेट्स? 39 स्टेट्स. अब हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी थी. Few states had common currency. तो वहां पे total currencies उन दिनों कितनी थी? 30 means four states की common currency थी. तो common currency 30 आप कहोगे common, और बाद में ये कितनी रह गई? 30 से 2 रह गई, ठीक है. और फिर ये था क्या Zollverein? It was custom union. कितने custom barriers traders had to go? कौन से ईयर की बात है ये? 1833. कहाँ से कहाँ जाते थे? हैम्बर्ग टू, ट्रेडर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू नूरेमबर्ग, दे हैड टू क्लियर हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स? 11 कस्टम बैरियर्स. अब जोलब्रिन के आने से वो सब कुछ खत्म. नंबर ऑफ क्रंसेस कितनी रह गई? 2. नंबर ऑफ क्रंसेस लेफ्ट ओनली.